नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रासला पंचायत के राजस्व ग्राम सांवता के अचल सिंह की ढाणी में GLR बनी हुई है, जो 6 साल हो गए जिसको आज तक पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया। ढाणी वासियों ने कई बार संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया, लेकिन उनकी ओर से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय निवासियों जोगराज सिंह भाटी ने बताया कि GLR बनने के बाद आज तक इनको पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया, जिसकी वजह से हम भारी दाम देकर पानी के टैंकर मंगवाते हैं। महज एक टैंकर की कीमत 1200 रुपये है। एक पानी का टैंकर हमारे 4 दिन भी नहीं चल पाता। हम प्यास बुझाने और हमारी ढाणी के पास कोई अन्य जल स्रोत नहीं होने के कारण हम अपने मवेशियों को पानी घर पर ही पिलाते हैं। संबंधित विभाग से निवेदन है कि हमारी ढाणी के बासिंदियों को इस भयंकर गर्मी के मौसम में इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए तुरंत GLR को पाइपलाइन से जोड़ा जाए, और जब तक पाइपलाइन का कार्य शुरू होकर हमारी ढाणी तक न पहुँचे तब तक हमारी ढाणी से संबंधित विभाग पानी के टैंकर भिजवा कर हमें इस पेयजल समस्या से निजात दिलाए। ग्राम सांवता में बनी हुई GLR जिसमें पानी की अभी तक पाइपलाइन भी नहीं जोड़ी गई है। कई सालों से इस होदी को पाइपलाइन से भी नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पानी के लिए ढाणीवासी तरस रहे हैं, और अभी तालाब में पानी था वो सूख गया है। लगातार प्रशासन को कई बार अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन कम से कम 10 साल हो गए हैं, अभी तक पानी की पाइपलाइन तक नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पानी की भारी किल्लत है।